और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, सूत्रों के हवाले से जानकारी। प्रचार की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। अराय बरेली लोकसभा सीट से सांसद थी लगातार सोनिया गांधी, लेकिन राज्यसभा के लिए उन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल की, और ऐसे में कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी गांधी परिवार की जो सीट है उस पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन जानकारी अब ये कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि प्रचार की कमान संभालेंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी वो रही हैं, अब जानकारी ये है कि प्रियंका गांधी प्रचार की कमान संभालेंगी, बड़ी और अहम खबर। लेकिन सवाल यही कि आखिर रायबरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी कौन होगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी और वो सीट रायबरेली की सीट, जहां 1999 से लगातार कांग्रेस पार्टी की जीत रही है और इंदिरा गांधी यहां से सांसद रही हैं पारंपरिक तौर पर भी। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ये गांधी परिवार की सीट रही है। लेकिन प्रियंका गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो किससे मौका दिया जाएगा, खास करके विधानसभा चुनाव में भी यहां कांग्रेस को नुकसान हुआ था। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट है। अदिति, नहीं लड़ने के पीछे रणनीति क्या, और अगर गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं होगा तो फिर प्रत्याशी कौन? बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बात इसलिए है क्योंकि आपने स्टार प्रचारकों के नाम सुने होंगे कि स्टार प्रचारक होते हैं चुनाव में। तो जो प्रियंका गांधी हैं वो पार्टी की स्टार प्रचारक हैं, वजह बताते थे। राहुल गांधी चेहरा है, स्टार भी है और प्रचारक भी है, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने रायबरेली प्रमुखता से इसलिए ही छोड़ी, मुख्य कारण यही है कि वो पिछले 3 साल से अपने इलाके में जा नहीं पाई अपने तबीयत खराब के चलते, और अब वो फुल फ्लेज्ड चुनाव प्रचार में नहीं उतर सकती। डॉक्टर्स ने उनको ये सब मना किया है, यही वजह है कि उनको राज्यसभा भेजा गया। साथ ही प्रियंका गांधी को भी पार्टी ने राज्यसभा ऑफर किया था, लेकिन प्रियंका गांधी का ये मानना है कि वो जब भी हाउस में जाएंगी, पार्लियामेंट में जाएंगी, तो वो चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर जाना चाहती हैं, यही वजह है कि उन्होंने राज्यसभा नहीं ली। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो चुनाव लड़ना नहीं, अगर अभी फिलहाल वो राज्यसभा ले नहीं रही, तो क्या वो लोकसभा लेंगी? लोकसभा में रायबरेली की सीट फिलहाल यही माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं, कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। और वजह क्या है कि वो स्टार कैंपेनर रहेंगी पार्टी की। अगर राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं, सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में उतर नहीं सकती, तो ऐसे में चुनाव प्रचार पूरे देश भर में कौन करेगा? तो वो नाम है प्रियंका गांधी का। जैसे जेपी नड्डा चुनाव नहीं लड़ रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा गए हैं, लेकिन उनको पूरी पार्टी को चुनाव लड़ाना है और चुनाव प्रचार में रहना है, ठीक वैसे ही प्रियंका गांधी पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए चुनाव प्रचार के चलते वो अभी तक यही माना जा रहा है कि संभावनाएं बहुत कम है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गांधी परिवार ने यूपी कांग्रेस को अपनी हालत पर छोड़ दिया है? देखिए, हालत लगातार असेस हो रही है, लेकिन एक बात साफ है कि ना अमेठी और ना रायबरेली, जब सीट शेयरिंग की सपा के साथ बात हो रही है, और देखिए यूपी कांग्रेस में प्रियंका गांधी काफी एक्टिव थी, महिलाओं को लेकर आपने देखा होगा उस चुनाव में काफी एक्टिव नजर आई, लेकिन नतीजा नजर नहीं आया और उसके बाद भी बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं हुआ। तो अब साफ बात यह है कि इस तरह उन जगहों पर पार्टी कॉन्सेंट्रेट कर रही है, नॉर्थ को अगर छोड़ दिया जाए तो, जहां पर कांग्रेस के स्कोप अच्छा है, क्योंकि ये बात तो समझ में आ रही है कि अभी कांग्रेस की स्थिति नॉर्थ में बेहतर नहीं है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार जब प्रियंका गांधी करेंगी तो वो दक्षिण में और दूसरे इलाकों में ज्यादा करेंगी। पर आपका ये सवाल बहुत रेलिवेंट है कि यूपी कांग्रेस को अपने हिसाब पे अपने हाल पर छोड़ दिया है, तो जवाब यह है कि देखिए पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि रायबरेली अमेठी में जब राजीव गांधी की डेथ हुई उसके बाद भी आरके धवन ऐसे बहुत बार इनकी इस सीट को छोड़ा है और अपने ही करीबी लोगों को लड़ाया है, लेकिन उसके बाद फिर वापस सीट ले ली गई है। तो ऐसे में फिलहाल यही नजर आ रहा है कि अमेठी रायबरेली रहेगी कांग्रेस के पास, लेकिन गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं लड़ेगा। और जहां पर बात है यूपी कांग्रेस को उनके हाल पर छोड़ देने की, तो वो आप अगर मुआवरे के लिहाज से कहें तो ये बात अतिशोक्ति नहीं होगी। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश से फिलहाल गठबंधन में भले ही उम्मीद हो कि इंडिया गठबंधन के लिहाज से सपा और कांग्रेस मिलकर अच्छा कर ले, लेकिन अकेली कांग्रेस को उम्मीद नहीं है कि वो बेहतर कर पाएगी। अदिति, इससे तो एक और मुश्किल हो गई, जब समाजवादी पार्टी ने लिस्ट मांगी थी कि कांग्रेस लिस्ट दे किन सीटों पर उनके कौन कौन से कैंडिडेट हैं, तो एक कैंडिडेट और कांग्रेस के पास कम हो गया अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है।
बिल्कुल, और ये पहले से प्लानिंग है, गांधी परिवार ने ये पहले ही तय कर लिया था कि सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स का बात हो रही थी कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या जो है त्याग कर देंगी, लेकिन वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये पहले से ही तय था, डॉक्टर्स पहले ही मना कर चुके हैं, वो 3 साल से चुनाव प्रचार में नहीं, अपने प्रचार में नहीं जा रही थी, लेकिन अब बात प्रियंका गांधी की थी कि क्या प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ेंगी, तो ऐसी स्थिति जीत की नजर नहीं आ रही है। और अगर आप मान भी लीजिए कि जीतना नहीं भी है, तो भी अगर वो रायबरेली में रहेंगी तो फिर पूरे देश में एक गांधी परिवार का एक गांधीयन फेस कौन होगा, यही वजह है कि फिलहाल, और ये बात है कि जहां पर सीट शेयरिंग की बात है नामों में वैसे ही कमी है, कहीं पर भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के तैयार नहीं है, वहां पर एक नाम और कम हो गया, लेकिन रायबरेली और अमेठी के लिए शायद उनके मन में ऑलरेडी प्रत्याशी तैयार है, वो भले ही ना जीते लेकिन कांग्रेस के पास ही वो सीट जाएगी, ऐसे में अब देखते हैं सीट शेयरिंग और टिकट की बात है, लेकिन जीत वहां पर किसकी होती है और उसके बाद रायबरेली कितना वापस आती है उनके पास, ये एक बड़ा सवाल होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।